साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डिफेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डिफेंस एजुकेशन इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। इनमें से आपको 30 में से 10 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स के अंदर देने हैं। और दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा भारतीय थल सेना के अंदर सबसे सरल भाषा और सरल लैंग्वेज के अंदर अगर आप GD की तैयारी करें, पूरे सिलेबस के अनुसार ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आप बुक के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे के पूरे 50 मॉडल पेपर सेट मिलेंगे आपको, और जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ आपको मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न के साथ साथ उसका सॉल्यूशन और व्याख्या भी दे रखी है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन ने मैं 4 धमाका लेकर आए, GD के लिए भी है, कलर्क के लिए भी है, टेक्नीशियन के लिए भी है, और जो कलर्क हैं उनके लिए भी है। तो आप सभी के लिए सबसे बड़ा ऑफर है। तो आप जो बुक है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए। पहला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र की मुख्य जो विशेषता है इनमें से प्रभुता किसे मानी गई है, नागरिक को मानी गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या, नागरिक आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन बनी, तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी आपका राइट। फातिमा बीबी है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली है। भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र किसका है, तो यस किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, यस। और दोस्तों, जहां पर संघ राज्य आते हैं उसे वहां पर राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर क्या होगा, उपराज्यपाल होगा, उपराज्यपाल। ये भी सवाल पूछा गया है कि दिल्ली में क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के अंदर क्या उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है, जिस ध्यान रखना आपको ऐसे प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, ये अभी एग्जाम के अंदर पूछा था भैया। राइट आंसर जोग प्रपात, यस। और ये दोस्तों साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ, और अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया होगा, अगर आपने GK करंट अफेयर्स पढ़ा है तो इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया। क्या नाम परिवर्तन किया गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए और हमें जरूर बताएंगे सर। अगला देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भाग की सब निम्न में से सबसे अरब सागर में, क्या पूछा है, अरब सागर में नदी कौन सी नहीं थी। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो नदियां हैं इस प्रकार से, ये राजस्थान गुजरात इस प्रकार से आपका आ जाता है। अब प्रायद्वीपीय भाग, ये वाला प्रायद्वीपीय भाग है, यस ये प्रायद्वीपीय भाग है। अब इसमें सवाल पूछा गया कि अरब सागर, ये कौन सा सागर है, अरब सागर है, ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी वाला। तो इसमें ये पूछा है अरब सागर में नहीं गुजरती, तो दोस्तों कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गुजरती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी सभी नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार नदी के सभी कहाँ, यहां पर अरब सागर में गिरती है। मानस पशु विहार, यानी मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, असम के अंदर है दोस्तों, असम, इसकी राजधानी दिसपुर है। झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर, और राजस्थान की जयपुर है, बिल्कुल राइट आंसर है। एशिया का सबसे आद्र महाद्वीप कौन सा है, संसार का सबसे महाद्वीप, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसार का सबसे अधिक आद्र महाद्वीप कौन सा है। यस राइट आंसर कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक मिट्टी मृदा अपरदन का कारण नहीं है, मिट्टी बहती है वो है हवा से चलती है, तो इसका राइट है अपसय, क्या है अपसय, राइट आंसर अपसय आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए डोगी ग्रासिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, डोगी, तो यस हिंद महासागर, क्या है हिंद महासागर, हिंद महासागर आपका राइट आंसर। भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं, इसका जो कारण क्या है, रात में आप तारे देखेंगे उसमें अलग अलग रंग जो कलर है वो दिखाई देते हैं, इसका राइट आंसर तापमान का कारण, किसके कारण, तापमान के लिए, इसके लिए तापमान के लिए, किसके लिए, तापमान से संबंधित है, किससे संबंधित, तापमान से संबंधित है।
अगला देखिए, आइसोगोनिक रेखा, आइसोगोनिक रेखा किससे संबंधित? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा। अगला देखिए, राजाओं की घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, राजाओं की घाटी यूनान, इसे कहते हैं यूनान। धूम कोहरा का कारण क्या है? धूम कोहरा। यस, वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमा होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए नींबू वंश, ये सवाल पूछा गया है, जो अमेरिका में अंगूर एवं स्ट्रिक्स, कैलिफोर्निया राज्य, क्या है? कैलिफोर्निया राज्य के अंदर है। राष्ट्रपति के विषयों में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला तो कोई जरूरी नहीं है, यस दूसरा सही है, वो कम से कम उसकी उम्र 35 साल होनी जरूरी है। क्या 35 साल होनी जरूरी है? ये सवाल आ गया वापिस, रात में तारे चमचमा के दिखाई देते हैं, यस अनेक परावर्तन के कारण। अगला सवाल पूछा है, द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत में काम करती है? इस राइट आंसर पास्कल, क्या है? पास्कल के सिद्धांत में कार्य करती है। ज्वालामुखी नहीं है, क्या पूछा है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यस राइट आंसर किलिमंजारो, किलिमंजारो, यस। सौर प्राणी, सौर प्रणाली किस की खोज की थी? यस केपलर के द्वारा, किसके द्वारा? केपलर के द्वारा, राइट आंसर केपलर, किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। आयरन का है, इस्पात का है, जिंक की पतली परत लेपन की जाती है, यशद लेपन, कौन सा लेपन भैया? यशद लेपन से की जाती है। ऑयल ऑफ विट्रिक किससे संबंधित है? सल्फ्रिक अम्ल से संबंधित, किससे संबंधित है? सल्फ्रिक अम्ल से संबंधित है। तरल अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ब्रोमीन, ब्रोमीन। विटामिन सी, विटामिन सी किससे संबंधित है? आंवलों से, दोस्तों विटामिन सी का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आंवलों से संबंधित, किससे संबंधित? आंवला, कौन सा? आंवला। मानव हृदय वंध, हृदय आवरण, हृदय से संबंधित, किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से रिसाव की ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी का पहुंचना, यस कैसी तत्वों के कारण? वे वस्तुएं जो या तो उपभोक्ता एवं निवेश के लिए निर्धारित हैं, उसे क्या कहते हैं? अन्य वस्तुएं कह जाती है। तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। मूल लागत किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर एक। और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादक का कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है परिवहन,
संचार और वाणिज्य। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। थैंक यू सो मच।